हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKS क्लासेस। ठीक है, तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है, मुझे पता है सब लोग मतलब मज़े से वीडियो देख रहे हो, अच्छे रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, मुझे खुशी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो, कल का लेसन में हम लोग क्या पढ़ा था? हम लोग ने थोड़ा बहुत देखा था अबाउट क्वांटम नंबर, अबाउट सम शेल ऑर्बिटल SPDF क्या होता था, S के अंदर में 2, P के अंदर में 6, D के अंदर में 10 और F के अंदर में 14 इलेक्ट्रॉन दे सकता था, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या करते हैं, उसी टॉपिक को थोड़ा ऊपर से उसको पढ़ लेते हैं। तो मतलब आप लोग आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग मतलब फिलिंग अप ऑफ दिस ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल का फिलअप कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। बहुत इजी है और ये टॉपिक भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही है। ठीक है, तो अगर मेरा लेसन समझ में नहीं आया होगा ना, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर से सिखाने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो पूरा कॉपी पेन पेपर लेके पूरा जोश से लिखते जाओ और ये वीडियो देखते जाओ बिना। ओके, तो व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट बी कंफ्यूज विद द टर्म ऑफ बाउ। ठीक है, ये अबाव एक कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे जनरली साइंस में क्या होता है, सब रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर बेस होता है। बट फर्स्ट हमें यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ए जर्मन ऑर्ड। ठीक है, ये जर्मन एक ऑर्ड है और इसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। क्या बिल्डिंग अप? ऑब्वियसली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही बिल्डिंग अप होगा। तो चलो बिना देरी करके हम लोग सीखते हैं ये अपवा प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बस एक काम करते जाओ मेरे साथ, देख बहुत इजी है, बस लिखते जाओ। वन, वन को एक बार लिखो, देखो वन लिखो, वन को एक बार ही लिखो। टू, दो को दो बार लिखते जाओ। तीन, 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 ये हो गया। चार, 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 लेकिन ये मत बोलना सर मैं पास को पास बार लिखूंगा, से को से बार लिखूंगा, ऐसे नहीं। पास को भी कितना है, चार बार लिखना है। ठीक है, और सिक्स लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सेवन, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, दे रहा होगा तो अच्छा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्या था, मैंने क्या बोला था, SPDF। ओके, चलो उसके पहले बोल लेते हैं ये सब क्या है, आप सर भी क्या लिख रहे हो, मतलब क्या होता है, शेल होता है। शेल क्या होता है, के एल एम एन, मैंने कल दिखाया के शेल का वैल्यू कितना होता है, वन, मतलब ये होता है के एल एम एन। ओके, ठीक है, ये क्या होता है, के शेल एल एम एन, मतलब आप के शेल में कितना शार्प शेल, वन, और शार्प शेल क्या होता है, एस, ये पे क्या होगा, एस पी, एस पी डी, ये पे क्या होगा, एस पी डी एफ। ओके, यहाँ पे लिखो एस पी डी एफ, यहाँ पे भी लिखो एस पी डी एफ, हो गया, यहाँ पे भी लिखो एस पी, और भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इतना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब क्या होता है, यहाँ पे दो ही शार्प शेल होता है, यहाँ पे दो होता है, यहाँ पे तीन हो, यहाँ पे चार, ऐसा करके। ठीक है, तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो समझ में हो गया, आ गया एस पी डी, ये सब क्या होता है, एस शार्प शेल होता है, ऑर्बिटल होता है। तो उसके बाद क्या करना है, बस काटते जाओ अपने हिसाब से, इसको काटो ऐसा करके, काट के जाओ। सब उसमें बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर, या मैंने क्या लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री लेके मैंने साइंस लेके मतलब मेरा लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ, मैं जोश में साइंस लिया, अभी साइंस मेरा ले रहा है, ऐसा तो फील नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो क्या करो, अभी मतलब जो वीडियो देखा ना वहाँ पर उठ के जाओ, उठ के जाके एक गिलास पानी पी के आओ, पानी पी के
फिर से ऐसे ऐसे करो और फिर से पढ़ते जाओ, देखो तुम्हारा जो वो वाला फीलिंग है ना वो चला जाएगा। ओके जॉक सेपरेट काटा, और भी काट सकते हो बट इतना ज़रूरत नहीं है, मैंने दिखाया बस। उसके बाद क्या करो, मतलब मैं एक एडिशन ही कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से इसको लगा के जाओ। हो गया, इसको भी यहाँ से ऐसे लगा दो, इसको भी यहाँ से ऐसे लगा दो, इसको भी दो, इसको भी दो, नहीं तो इसको बुरा लग जाएगा। हो गया, इसको भी दे सकते हो, ऐसे करके दे दो। हो गया, इजी है। तो सो यहाँ पे तुम हो, दिस इज यू, सपोज तुम्हारा नाम नोगेन, यू आर नोगेन। ओके एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन, सपोज दिस इज योर, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है शायद ना, तो हम लोग सपोज इतना तक ही देखेंगे। सपोज दिस इज योर डेस्टिनेशन, यहाँ पे तुम्हें आना है, दिस इज योर होम। ठीक है, याद है कि नहीं, पहले जो हम लोग खेलते थे न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे करके आना पड़ता था, तो क्या करो तुम यहाँ से आते आते जाओ, और ये सब क्या है, तुम्हारा स्टेशन है, ये सब तुम्हारा स्टेशन। तो तुम्हारे मम्मी तुम्हें कॉल किया, ओ नोगेन पुंटो स्टेशन पाली, फर्स्ट क्या बोलोगे, माँ वन एस स्टेशन पाईसू, सेकेंड क्या बोलोगे, माँ मुई टू एस स्टेशन पाईसू, देन टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी, फोर पी, फाइव एस, याद है, दिस आर स्टेशन, यू आर हियर, दिस इज अ ट्रेन एंड दिस इज योर होम, तुम घर आ रहे हो। ठीक है, वहाँ से तो बोलते जाओ फास्ट, कौन सा स्टेशन मिला तुम्हें, वन एस स्टेशन, वन एस स्टेशन, फिर से टू एस स्टेशन, टू एस, देन टू पी, देन थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, फोर पी, देखो फोर एस, फोर एस के बाद क्या, थ्री डी मिल गया, थ्री डी स्टेशन, थ्री डी के बाद फोर पी, फाइव एस, फोर पी, फाइव एस, फाइव एस के बाद कौन सा स्टेशन में गया तुम, यहाँ से घूम के फिर से फोर डी, फाइव पी एंड फाइव एस, फोर डी, फाइव पी, सिक्स एस। ओके, इतना ही काफ़ी है, इनाफ, इतना बस स्टेशन को बात याद रखना है। और ये स्टेशन कैसे आया, ऐसा करके आया, वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी, फोर पी, फोर डी, फोर पी, फाइव पी एंड सिक्स एस। गलत हुआ के हुआ क्या, देखो तो चेक करो। ओके ओके हो गया, तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, यस लिख लिया ना, पॉज मार के लिखो। ओके ओके क्या ज़माना आ गया, क्या क्या सीखना पड़ रहा है हम लोगों को, पहले कितना अजीजी था साइंस, आज क्या हो रहा है, दे भाई दे। ओके हो गया, ये सब क्या हो गया, स्टेशन हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, तुम्हारा नाम क्या था, नोगेन, नोगेन, नोगेन मतलब नाइट्रोजन। सपोज तुम्हारे पास कितना है, 7 रुपये है, यू हैव 7 रुपीज विथ यू। तो एक बात याद रखना है, जो एस वाला स्टेशन है, इस इन लोगों का प्राइस कितना होता है, 2 रुपये मैक्सिमम, 2 रुपीज लेगा। और जो पी वाला स्टेशन, एस पी डी एफ, मैंने बताया था कल के लेसन में, एस में कितना होता है, 2 P 6 D 10 F 14। एक्चुअली दीज आर द प्राइस ऑफ दिस स्टेशन, और इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री दीज आर द मैक्सिमम इंटेक कैपेसिटी ऑफ दिस ऑर्बिटल, मतलब इन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से 10 और 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है। चलो बस ए स्टेशन से जाना है,
और सबको इतना ही मैक्सिमम इतना ही प्राइस देना है, कितना कम दे सकते हो तुम्हारा कैपेसिटी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो चलो पहले क्या है, वानेस स्टेशन, तो वानेस में मैक्सिमम 2 रुपये दे दो। उसके बाद 2S सिलेक्ट, उसमें 2, उसके बाद क्या होता है 2P आ जाता है, देखो उसके बाद क्या है 2P, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यू हैव, यू हैव 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम्हारे पास 7 रुपये है, ऑलरेडी तुम्हारे पास 4 रुपये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो यू हैव ओनली 3 रुपीस, तो ये 3 रुपीस ही इनको देना पड़ेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसा करके लिखो, समझ में आ गया होगा शायद, ओके ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का लिखो, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा 1s, तुम्हारे पास 1 रुपये, 1 दे दो, इजी है। हीलियम का लिखो, हीलियम का कितना है 2, मतलब 1s 2। एक बात याद रखना है, इसको आधा दे के तुम यहाँ पे फुल नहीं दे सकते हो, इसको पूरा दे के जाना है, ठीक है, हो गया, इतना हो गया, ओके। और भी देखते हैं थोड़ा, सपोज ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, लिखो लिखो कितना होगा 1s 2 2s 2 2p 4। तो इसको मैंने जो दिखाया था s कैसा था, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करके है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करके, ये हो गया 1s, तो 2s का क्या होगा, एक होगा ए से और एक होगा ए से, इसके बाद क्या है 2p, ए से इसका नाम है 2p, पी में कितना रहता है 3, और इसमें मैक्सिमम 4-6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करो 1 2 3 4, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। उसके बाद सपोज हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज सोडियम, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो नॉर्मली तुम क्या लिखते 2 8 1 ऐसे लिखते, ओके देखो उसको आज हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओनली शेल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम लोगों को ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो तुम बोल सकते हो सर हम लोग जो पहले लिखते थे वो सब गलत था क्या, वो सब गलत नहीं था, क्योंकि देखो ये जो फास्ट होता है ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, 2s2p यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2+6, मतलब ऊपर में इलेक्ट्रॉन देना होता है 2+6 8, हो गया। और ये जो क्या है 3s यहाँ पे कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये KLM, ये भी करेक्ट है, मतलब वो वाला भी करेक्ट था, ये वाला मतलब थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हम लोगों को स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, ठीक है। पहले सपोज तुम जब क्लास 19 में रहता था, सपोज तुम यूएसए में गया, यूएस में गया तो तुम्हें पूछेगा वेयर इज़ योर होम, तुम क्या बोलोगे इंडिया, ओके। लेकिन सपोज तुम अब दिल्ली में हो, यू आर आस्क्ड वेयर फ्रॉम यू, तुम बोलोगे आसाम, अगर जो पर्सन ने तुम्हें पूछा वो भी आसाम का है तो क्या बोलेगा, आसाम का कहाँ से है तू, तुम क्या बोलोगे गुवाहाटी से हो, गुवाहाटी का कहाँ से है तू, चालकबारी से हो, चालकबारी का कहाँ से हो, कहाँ से है तू, इंजीनियरिंग कॉलेज का पास कैसे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग कौन सा बाई लाइन, मतलब ये पूरा स्पेसिफिक पोजिशन अगर सीखना है तो इसे वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमको लिखना है, ठीक है, हो गया। तो चलो और भी लिखते हैं, और भी देखता है, इसको भी शायद तुम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। तो अभी तुम लोग करो, सपोज ले लो सोडियम, सॉरी क्लोरीन का कितना होता है 17, वेरी इजी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखो कैलकुलेट करो हो जाएगा 2 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 5 17,
इजी है ओके। तो एज ए होमवर्क लिखो, लिखो कॉपी में लिखो, होमवर्क होमवर्क तुम्हें सेंड करना है सबको। होमवर्क क्या करना है, आयरन, उसके बाद लिखना है कॉपर, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आर्गन, ठीक है। ये सब ये चारों का अभी करना है, ठीक है, मतलब होमवर्क में करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है। उसके अलावा भी तुम लोग क्या ट्राई करोगे, यू विल ट्राई क्रोमियम सी आर, सी आर मतलब क्या होते हैं क्रोमियम, एंड एम एन मतलब क्या होते हैं मैंगनीज, और कॉपर एंड जिंक। कॉपर तो दे दिया नीचे भी, यहाँ पे लिखो कितना करोगे, कितना दिया टोटल 7, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी दिक्कत है तो क्या करना है, मुझे कॉल करना है, ठीक है, कहाँ पे, जूम में, ठीक है। तो अब आप लोगों का सब जो डाउट है मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लेकिन पढ़ाई करते रहना, ओके।